देखिए, इस बंद को लेकर अब राजनीति भी इस पर किस तरह से तेज हो गई है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बंद का आह्वान किया गया है, ऐसे में तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन दे दिया है, अब जो कुछ होता है किस तरह की तैयारी उसको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से की गई है, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भी जुड़ गए हैं पटना से, और दिल्ली से रविकांत भी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मैं समझना चाहूंगा तैयारी किस तरह से की गई है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं अब हाजीपुर पटना के बीच जो गांधी सेतु है उसको भी रोकने की कोशिश हो रही है, पप्पू यादव ने कल फिर एक तरीके से बयान दे दिया कि नहीं ये सर वो सर जो तमाम सर हैं वो खुद को बचा रहे हैं, लेकिन छात्र इन सब के बीच फंसा हुआ है, खान सर ने अपील भी की है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, ये कहते हैं ना कि बात जुबान से निकल जाए और तीर कमान से निकल जाए तो उसे वापस करना मुश्किल होता है, अगर वापस कोई लेना भी चाहे तो राजनीति उसे वापस नहीं लेने देता है। तैयारियां हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन खास बात यह है कि जेडीयू भी इसमें शामिल हो गया है, यानी कि बंद के समर्थन में नहीं बल्कि जो छात्र हैं जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है, जो खान सर समेत बाकी शिक्षक हैं उनके पक्ष में। हमारे साथ है नीरज सिंह, जेडीयू के प्रवक्ता, वो बताएंगे। आप लोग तो मुकदमा वापस करने की मांग कर रहे हैं, ये कैसा मुकदमा है? देखिए, छात्र हित महत्वपूर्ण है ना, जैसे राज्य हित हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो छात्रों के अंदर जो आक्रोश अकारण, वह समय पर रेलवे बोर्ड ने कोई निराकरण नहीं किया। तो रेलवे बोर्ड ने गलती की है, ये आप मानते हैं सरासर उसी गलती? बिल्कुल बिल्कुल गलती है, नहीं तो आखिर आपने जो 2019 के में आप विज्ञापन लाते हैं, 2022 में परीक्षा फल देते हैं, उसमें भी त्रुटि रहती है। आप तो पप्पू यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो सड़क पर निकल गए, चारों तरफ जाम हो रहा है, यातायात बाधित करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम तो आदरणीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो कमेटी बनाने की बात थी उसके जो मापदंड हैं, सवाल बंद को लेकर है ना, इस पर राजनीति क्यों शुरू हो रही है? अब तो भाई राजनीति तो महत्वपूर्ण चीज है ना, छात्र राजनीति के बिना नहीं रह सकते, देश राजनीति के बिना नहीं रह सकते, और निराकरण भी कौन करेगा? राजनीतिक तंत्र ही करेगा ना, जो कोई दूसरा करेगा, राजनीति के बिना कहां दिशा तय हो? लग रहा है कि छात्रों के समर्थन में पार्टी के नेता? देखिए, ऐसा सवाल है, किसी के भविष्य के साथ पूरे छात्रों का भविष्य का मतलब देश का भविष्य, और ऐसी परिस्थितियों में छात्रों के पक्ष में खड़ा नहीं होना अपने आप में अपराध है ये भाई। हमारी भूल होगी, आप समझ रहे हैं कि ये चुनाव का वक्त है यूपी में, इसलिए सुशील मोदी जो बीजेपी के नेता है वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि बोर्ड ने सारी बातें मान ली है और अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बच गई है, तो अब ये राजनीति के तहत, क्योंकि आरजेडी के नेताओं ने, महागठबंधन के नेताओं ने भी इस बंद को समर्थन दिया है, तो अब वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं और छात्र हैं कि उनकी बातें मान ली गई हैं, अब इस गफलत में बातें हो रही है, अब देखना होगा धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, क्या बंद की राजनीति हो रही है और बंद पर ये आगे कहां तक मामला जाएगा, बताइए। बिल्कुल प्रकाश, आप आगे भी नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। फोन लाइन पर रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, हालांकि खान सर ने और बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने तो कह दिया कि मांगे पूरी हो गई हैं, तो इस बिहार बंद का कोई मतलब नहीं रह जाता, इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन इस बंद के मद्देनजर कोई चेंजेस हुए हैं? ट्रेनों की आवाजाही क्या वैसे ही रहेगी शेड्यूल के अनुसार या फिर कोई चेंजेस नजर आते हैं? देखिए, रेलवे की ओर से ट्रेनों का आवागमन पर कोई अभी चेंज के लिए नहीं कोई आदेश आया है, लेकिन अगर ये आंदोलन होता है, जैसे कि रेलवे लगातार अपील कर रही है कि रेल ना रोका जाए, पहले रेलवे की ओर से एक धमकी भी दी गई थी, एक नोटिस तक जारी कर दिया गया था कि अगर कोई छात्र तोड़फोड़ में संलग्न पाया गया उसके वीडियो की जांच करेगी कमेटी, जो कमेटी गठित की गई है उसको ये दायित्व भी दिया गया है कि वो वीडियो की जांच करे, अगर कोई कैंडिडेट इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको आजीवन के लिए, जीवन भर के लिए उसको डिबार कर दिया जाएगा रेलवे में नौकरी से। इसके बाद भी रेलवे ने लगातार अपील की है और ये कहा है कि चूंकि हमने कमेटी गठित कर दी है, 4 मार्च के तक रिपोर्ट भी आ जाएगी कमेटी की, इसलिए कोई आंदोलन न करे, लेकिन उसके बावजूद अगर आंदोलन होता है और रेल रोकी जाती है तो करीब 2 दर्जन ट्रेनें ऐसी हैं जो इस रूट पे चलती हैं जो प्रभावित हो सकती हैं। रविकांत, अभी क्योंकि छात्रों में कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है, प्रयागराज में तो इसे लेकर लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो उनके सवाल हैं, उन्हें लिए जाएं, उनका समाधान किया जा सके, इसको लेकर और भी जगहों पर क्या तैयारी हो रही है? बिल्कुल, जो आरआरबी है वो सभी आरआरबी जो है अलग अलग डिवीजन में होती है, उन सभी आरआरबी को ये कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में छात्रों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको लें
और उसको कमेटी को भेजें, तो ये काम पूरे देश में होगा और हर आरआरबी अपने अपने क्षेत्रों की जो छात्र हैं उनसे उनकी शिकायतें लेंगी और उनको कमेटी को देगी। कमेटी उन जो सुझाव आएंगे उनमें जो एक तरह के सुझाव आएंगे उनको कैटेगराइज करके और जो कुल सुझाव आएंगे उनकी लिस्ट बनाएगी और उस पर विचार करेगी। ठीक है, प्रकाश नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो देखिए, बिहार में छात्रों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन बाद में खान सर ने भी अपील की, तमाम अलग अलग संगठनों की तरफ से अपील की गई कि बंद ना हो, लेकिन इस पर राजनीति भी अब बहुत तेज है। क्या कुछ होगा, लगातार अपडेट उससे जुड़ा आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।